गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द स्वस्तिक एजुकेशन कैंपस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर फ्रॉम ईवीएस वर्कबुक, चैप्टर नंबर 12। व्हाट डिड नीला भाई फादर डू फॉर अ लिवलीहुड। नीला भाई के फादर जो थे वो क्या करते थे, फार्म लेबर थे। ओके, नीला भाई 70 साल पहले कहाँ रहते थे, पाकिस्तान में। व्हाट डिड नीला भाई बिल्ड इन धुरावीरा में नीला भाई ने क्या बनाया और किसके और अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहते थे, एक ग्रास हट में रहते थे जिसके ऊपर डोम बनी हुई थी, जिसे इस तरीके से जो होता है उसको डोम बोलते हैं, राइट। घर के छत पे इस तरीके से होता है, उसको डोम बोलते हैं। विथ व्हाट हैड नीला भाई मेड द वॉल्स ऑफ हिज फर्स्ट हाउस। सबसे पहला जो घर बनाया था उन्होंने अपना घर का वॉल किससे बनाया था, मड से बनाया था और सॉलिड से बनाया था, ठीक है। नीला भाई ने टॉयलेट, व्हाट डिड नीला भाई यूज़ टू बिल्ड अ टॉयलेट। टॉयलेट बनाने के लिए क्या यूज़ किया, अनबेक्ड ब्रिक्स, ठीक है, जो कच्ची ईंटें थी वो। व्हाट डज लाखा भाई वाइफ कुक फूड। किस पे लाखा भाई की वाइफ फूड खाना पकाती थी, गैस स्टोव पे, क्योंकि उस समय टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। विथ विच टूल डज द पोर्टर मेक थिंग्स आउट ऑफ द क्ले। पोर्टर जो है वो क्ले से क्या बनाते, किस में कौन से टूल बना के वो पोर्ट बनाता है, पोर्टर व्हील्स। विच टूल डज अ मैसन यूज फॉर लेइंग ब्रिक्स एंड प्लास्टरिंग। मैसन जो मजदूर होता है वो दीवार बनाने के लिए ईंटों और प्लास्टिक्स पे कौन सा टूल यूज करता है, सो मैसन्स ट्रॉवल। ओके, नाउ द फिल इन द ब्लैंक्स। नीला भाई की फैमिली पाकिस्तान से निकल गए, कहाँ पे आई थी, कच्छ के धुरावीरा में। लाखा भाई जो है वो नीला भाई की क्या है, सन। जो पहला फ्लोर था हट का या फिर कच्चा घर का बोले, वो किससे प्लास्टर्स किया हुआ था, काउडंग और मड से किया हुआ था। नीला भाई का जो घर का किचन था वो किस कहाँ पे था, यार्ड में, इन द यार्ड। ओके, पीपल जो थे वो क्या यूज़ करते थे, टाइल्स यूज़ करते थे बाथरूम में, राइट, जैसे अभी हम लोग यूज़ करते हैं ना उसी तरीके से। ब्लैंक इज कॉल्ड टू ले ब्रिक्स एंड प्लास्टर अवर हाउस। जो हमारे घर की दीवारें ईंटें और प्लास्टर करता है, ईंटें लगा के प्लास्टर करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, मैसन, ठीक है। आयरन में से चीज़ें कौन बनाता है, ब्लैक स्मिथ। हम किसके पास जाते हैं मिट्टी की चीज़ खरीदने के लिए, पोर्टर के पास में। कौन पाइप और टैप फिट करता है, प्लम्बर। ओके, नाउ द ट्रू फॉल्स। नीला भाई की फैमिली जो है वो इंडिया भेजी गई, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भेजी थी, नो। नीला भाई सबसे पहले इंडिया रहते थे, नीला भाई जो है अब इंडिया में रहते हैं थे और डॉम शेप के हट में रहे थे धुलावीरा में, ट्रू। लाखा भाई के बेटे ने एक घर बिल्ड किया जो कि मॉडर्न फैसिलिटीज से था, यस। पॉटर जो है वो एनविल और मैसन जो मैसन ट्रावल यूज़ करता है क्ले से के बर्तन बनाने के लिए, नो। यू नीड टू गो टू मैसन फॉर थिंग्स मेड आउट ऑफ द आयरन से बनी हुई चीज़ों के लिए आपको मैसन के पास जाना पड़ेगा, नो, ब्लैक स्मिथ के पास जाना पड़ेगा, सो इट इज़ रॉन्ग। पोर्टर, पोर्टर क्या है, पोर्टर व्हील्स में से बनाता है। कारपेंटर किस में से चीज़ें बनाता है, कारपेंटर्स लेवल। ब्लैक स्मिथ एनविल, मैसन मैसन ट्रॉवल, ये उनके टूल्स दिए गए हैं, क्राफ्टमैन्स के टूल्स दिए गए हैं। ओवर द पास्ट 80 ईयर्स डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज एट डिफरेंट टाइम्स इन नीला भाई हाउस। सबसे पहले किस में चीज़ें बनी थी, मड, सॉडस्ट, काउडम, नीम ब्रांचेस, जूट सेट्स। ओके, ये 1 नंबर में आएगा आपका, ये 2nd नंबर में, ये 3rd नंबर में एंड ये 4th नंबर में। ओके, ये बाय मिस्टेकली मैंने जो 4 नंबर का था वो मैंने 2 नंबर का जो था वो मैंने 1 नंबर में लिख दिया, इसलिए ये 1 बॉक्स खाली रह गया। आपको ये आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 4 नंबर को इधर, 3 नंबर को इधर, 2 नंबर को इधर करके भी लिख सकते हो। ओके, PDF में आपको ऐसे ही मिलेगा, मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कैसे लिखना है। उसके बाद बना अनबेक्ड ब्रिक, सीमेंट, सैंड, आयरन एंड लाइमस्टोन। उसके बाद में बना बेक्ड ब्रिक से, आयरन से, ग्रिट से, सीमेंट एंड सैंड से, और देन लास्ट में बना बेक्ड ब्रिक, आयरन ग्रिट, सीमेंट मार्बल एंड कलर टाइल्स। ओके, सबसे लास्ट में क्या यूज हुआ था, कलर टाइल्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड फिल द टेबल। आपको ये पिक्चर देखना है और टेबल फिल करना है। वर्क,
मेक वेरियस थिंग्स फ्रॉम क्ले, कौन कौन से काम हो रहे हैं, किससे हो रहे हैं और उन बनाने वाले को क्या बोलेंगे। बहुत सारी चीज़ें मिट्टी से बन रही हैं, व्हील का यूज़ हो रहा है और पोर्टर उसे हम कहेंगे, सीमेंट का मिक्सर हो रहा है, सैंड का और पानी का मिक्सर हो रहा है पूरी तरीके से और एक मसाला तैयार किया जा रहा है। कौन कौन से टूल, स्पेड एंड टब यूज़ हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, लेबरर कहेंगे। डज द मैसनरी ऑफ द हाउस, यानी कि घर चुन रहा है, तो मैसन्स ट्रॉवल, मैसन्स लेवल, मैसन का ट्रॉवल यूज़ हो रहा है और मैसन का लेवल यूज़ हो रहा है जिसे हम मैसन कहेंगे उसको। इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है घर का, जो कि टेस्टर, प्लायर्स, वायर, ड्रिल मशीन का यूज़ हो रहा है और इलेक्ट्रिशियन काम कर रहा है उसका। ओके, नाउ राइट अबाउट द वर्क डन बाय द क्राफ्टमैन गिवन टू, नीचे आपको क्राफ्टमैन दिए गए हैं उनका काम बताना है। ओके, एग्जाम्पल के साथ में, सो कारपेंटर, तो कारपेंटर क्या करता है, लकड़ियों में से चीज़ें बनाता है जैसे कि विंडो, डोर, स्मॉल एंड बिग स्टूल्स एंड एक्सेट्रा। पोर्टर क्या करता है, पोर्टर जो है वो मिट्टी में से चीज़ें बनाता है जैसे कि ब्रिक्स, रूफ टाइल्स, लैंप्स। ओके, मैसन क्या करता है, वो आपके घर की दीवारों को लगाता है, ईंटों से लगाता है, उसके ऊपर प्लास्टर करता है किस, और फिर ब्रिक और स्टोन और सीमेंट से आपका घर बनाता है। ओके, ब्लैकस्मिथ क्या करता है, जो विंडोज़ होती है, डोर्स होती है, स्टेयर्स होती है, ये सारी चीज़ें बनाता है फ्रॉम आयरन का यूज़ करके। नेक्स्ट इलेक्ट्रिशियन जो है वो आपका इलेक्ट्रिक का काम करेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायरिंग करेगा घर की, बल्ब फिट करेगा, ट्यूबलाइट फिट करेगा, ये सारे काम करेगा। प्लम्बर क्या करेगा, प्लम्बर आपका पाइप फिट करेगा, टैप फिट करेगा आपके घर के या फिर आपके कोई भी किसी भी जगह के जो पाइप्स वगैरह होते हैं उनको रिपेयर करेगा। रिकॉग्नाइज द क्राफ्टमैन गिवन बिलो एंड राइट देयर नेम्स बिलो ईच पिक्चर, यहाँ पे आपको एक पिक्चर्स दी गई हैं उनका आपको नाम लिखना है, जैसे कि ये कौन है, पॉटर, ये ब्लैकस्मिथ, ये कारपेंटर एंड ये मैसन। ओके, नाउ क्वेश्चन आंसर, वेर इन डोला विला डिड नीला भाई फैमिली लिव, नीला भाई की फैमिली कहाँ रहती थी, दे लिव इन ओपन प्लॉट, एक खुले मैदान में, डोम शेप के हट में, जहाँ पर वो खुद को रखते थे, जहाँ पर उन्होंने खुद घर बनाया। वॉट इज बेला एंड वॉट इज यू, बेला क्या है, बेला जो है वो एक ऐसा पत्थर है जो कि माइन में से खोदा गया है या फिर सीख समुद्र में से मिला गया है, जो जिसे हम कच्ची ईंट भी कह सकते हैं और वो ईट की तरह ही यूज़ होता है। विच टाइप ऑफ द हाउसेज आर देयर इन योर, आपके घर में कैसे कैसे घर हैं, तो हमारे विलेज में कच्चा हाउस, पक्का हाउस और टेरेस हाउस, हाउसेस जिसकी छत हो टाइल्स से या फिर ऐसे एब्स्ट्रस सीट से, ये सारे ही घर हमारे गांव में देखने के लिए मिलेंगे। वॉट इज़ पक्का हाउस, एक ऐसा घर जिसकी दीवारें जो है वो स्टोन, पत्थर, ईंटें, मिट्टी, सीमेंट के मिक्सचर से, छत जो है वो सीमेंटेड हो और फ्लोर जो हो वो स्टोन या फिर टाइल से कवर हो। व्हाट इज कच्चा हाउस, कच्चा हाउस कैसे कहेंगे, एक ऐसा घर जिसकी दीवारें जो है वो मिट्टी से, जिसकी छत जो है वो बैम्बू ग्रास, छत जो है वो बैम्बू ग्रास से पूरी तरीके से कवर की हो और फिर प्लास्टिक का यूज़ किया गया हो और जो फ्लोर है वो काऊ डंग के और मिट्टी के मिक्सर से, पानी के मिक्सर से बना हुआ, ऐसे घर को हम कच्चा हाउस कहेंगे। विच मटेरियल हैव बीन यूज इन मेकिंग योर हाउस, आपका घर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज हुई है, तो हमारा घर बनाने के लिए ब्रिक, सीमेंट, ग्रीट, सैंड, आयरन, टाइल्स, ये सारी ही चीज़ें हमारा घर बनाने के लिए यूज़ हुई है। Where would you like to live when you grow up? What kind of houses would you like? आप कैसे घर में रहना पसंद करोगे, आपको कैसा घर पसंद है, किस टाइप का घर पसंद है, वो आपको यहाँ पे बताना है, ये मैंने ओमिट रखा है। Which craftsman live in your village? आपके विलेज में कौन कौन से craftsmen रहते हैं, तो हमारे विलेज में कारपेंटर, कॉबलर, मैसन, स्वीपर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक्स, इसके अलावा और भी कई craftsmen हैं जो हमारे गाँव में रहते हैं। Why did नीला भाई's father have to leave पाकिस्तान and come to इंडिया, नीला भाई के फादर को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा और इंडिया में क्यों आना पड़ा, कि पहले तो उनका जो
देश था वो एक ही था, हमारा इंडिया पाकिस्तान तो एक ही था, अब अलग हुए हैं 1945 में। व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट इट वाज पार्शनेड इनटू टू नेशंस, जब इंडिया जो है वो आज़ाद हुआ तब इंडिया और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया। उस समय काफ़ी लोग जो है इंडिया से पाकिस्तान गए और काफ़ी लोग जो है वो पाकिस्तान से इंडिया आए। नीला भाई के फादर भी जो थे वो इंडिया आए थे इन सब के दौरान। अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज व्हेन नीला भाई हाउस वॉज मेड, वाय बहुत सारे मिट्टी का यूज़ हुआ नीला भाई का घर बनाया गया तब, क्यों? क्योंकि उनका जो घर था वो 80 साल पहले बनाया गया था आज से। उस समय जो चीज़ें थी वो सिर्फ सीमेंट, सैंड, आयरन, ब्रिक्स, ये सारी चीज़ें उस समय गांव में यूज़ नहीं हुआ करती थी। उस समय उनका जो रहना था, रहने का जो कंडीशन था फाइनेंशियल, वो भी बहुत ज़्यादा पुअर था। नीला भाई को रहने के लिए जगह मिली थी वो भी काचरिया में मिली थी, सो इसलिए उन्होंने अपना घर वहाँ पे खुद से बनाया था, मिट्टी और काउडंग का यूज़ करके, सॉडस्ट का, ब्रांचेस का यूज़ करके उन्होंने अपना घर बनाया था। फाइंड आउट द मटेरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज़ मेड, अब आपको यहाँ पे आपके फ्रेंड का घर जिससे बना हुआ है या आपका घर बना हुआ है उसमें डिफरेंट बताना, तो ये मैंने ऑमिट कर दिया, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज डू यू थिंक नीला भाई ग्रैंड चिल्ड्रंस विल लिव इन, आप अब आप बताइए नीला भाई के ग्रैंड चिल्ड्रंस को कैसा घर पसंद आएगा। सो ड्यू टू चेंजेस टाइम्स नीला भाई हिज सन लखा भाई एंड नीला भाई ग्रैंड सन विल चेंज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, जैसे जैसे टाइम चेंज हो गया होता गया नीला भाई और उनके बेटे लखा भाई और उनके भी बेटे जिनके पोते थे उन्होंने पूरे तरीके से घर को चेंज कर दिया। सबसे ईंटें यूज़ की गई, सीमेंट यूज़ किया गया, मिट्टी का यूज़ किया गया, ग्रिट का यूज़ किया गया, आयरन का यूज़ किया गया दोबारा घर बनाने के लिए, क्योंकि अब जो टाइम था वो मॉडर्न टाइम आ चुका था। जो बच्चे थे वो अभी बड़े बड़े घर में रहना पसंद करेंगे, जो कि ईंटे से पक्की ईंटे से, सीमेंट से, मिक्सर सैंड से, आयरन ग्रिट से बनी हुई हो, ठीक है। और यही हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी बड़े बड़े घर में पक्के घर में रहेंगे। ओके, व्हाट डज 80 ईयर ओल्ड नीला भाई से अबाउट द चेंजिंग टाइम, नीला भाई ने ऐसे साल में क्या चेंजेस देखे, तो ये कुछ सेम क्वेश्चन हमने पहले देख लिए हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये ऑमिट रखा है। व्हाई डू वी नीड अ हाउस, हमको घर क्यों चाहिए होता है। सो अ हाउस इज़ द प्लेस वेयर पीपल रेस्ट, एक घर ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग आराम कर सकते हैं। अ घर अ हाउस प्रोवाइड अ पर्सन और अ फैमिली अ प्लेस टू स्टे, स्लीप, ईट एंड ड्रिंक, प्रोटेक्ट हिज हेल्थ हर थिंग्स। एक घर जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, फैमिली को रहने के लिए जगह देता है, नींद लेने के लिए जगह, खाने के लिए जगह, पीने की जगह और उसकी चीज सामानों को सुरक्षित रखने की जगह होती है। मोर ओवर अ हाउस प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन, इसके अलावा घर जो है वो धूप, ठंड, बारिश से बचाता है। इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ इज बिलोंगिंग एंड वेल्थ, वी नीड अ हाउस फॉर ऑल दिस रीजन। और इसके अलावा हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसका ध्यान रखने के लिए, पैसों का, इन सबको रखने के लिए घर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इन सब चीज़ों के लिए हमें घर चाहिए होता है। और यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 12 वर्कबुक में से भी फिनिश होता है। थैंक यू।